नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अप स्टडी परिवार में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आप प्रतिदिन अप स्टडी परिवार से जुड़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज इस नए सीखने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को थंबनेल दिख ही रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस स्पेशल क्लासेस आपके रनिंग में है और वो भी एसएससी जीडी के लिए। अपन ने पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। देख, अपन ने सामान्य परिचय देख लिया, क्या देख लिया है, सामान्य परिचय पे संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। इसके तहत अपन ने राज्य देखा, ठीक है, इसके तहत अपन ने विधेयक देखा, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें इनसे संबंधित अपन ने की थी और एक दो बातें मैंने शासन व्यवस्था संबंधित भी की थी कि शासन व्यवस्था कैसी होती है, किस प्रकार से शासन व्यवस्था को समझा जाता, इन सब बातों पर चर्चा मैंने की थी। अब देखिए, मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वो है संवैधानिक विकास। वो कौन सा है दोस्तों? वो है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास होता क्या है? संवैधानिक विकास, विकास का मतलब आप सब लोग जानते हो कि विकास क्या होता, ठीक है। आपको आज पता लगना है, पूरा जांच करनी है संवैधानिक विकास के ऊपर कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। पहले तो आपको इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इसी के अंदर ऐतिहासिक बात भी करेंगे और इसी में राजनीतिक बात भी करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि इतिहास से बिंदु प्रारंभ करेंगे और राजनीतिक पहलू तक लाके समाप्त करेंगे। ऐतिहासिक बात कैसे? जैसे भारत में शासन किसने किया, प्रारंभ काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया और बाद में किया सम्राट खुद ने। बाद में किसने किया? सम्राट ने शासन किया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शासन व्यवस्था किस हिसाब से संचालित होती है, कैसे नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। ये कैसे हुई, वह सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कैसे हुआ, इसके ऊपर भी आपको विस्तार पूर्वक पता होना चाहिए। तो ठीक है, प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, पहले मैं बात करता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर इस दिन दोस्तों 31 दिसंबर 1600 इसकी क्या की गई थी दोस्तों? स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और इसी स्थापना के साथ, फिर से सुन लीजिएगा, और इसी स्थापना के साथ इसमें सदस्यों की संख्या रखी गई थी 24। सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? 24। और इन 24 सदस्यों को ही कहा गया था निर्देशक मंडल। क्या कहा गया था? निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल को आप संचालक मंडल भी बोल सकते हैं। निर्देशक मंडल को आप क्या भी बोल सकते हैं दोस्तों? संचालक मंडल भी आप बोल सकते हैं। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि निर्देशक मंडल जो होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? संचालक मंडल। और इनको अगर मैं इंग्लिश में बोलू तो आप बोलोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और शॉर्ट में आपको हमेशा इसको बोलना है BOD। अब फिर से बता दो, जब भी मैं आपको संवैधानिक इतिहास पढ़ाऊंगा, जब भी मैं आपको संवैधानिक इतिहास पढ़ाऊंगा तो संचालक मंडल या निर्देशक मंडल की जहां भी बात आएगी, मैं आपको कभी भी अन्य नाम से नहीं बोलूंगा, सीधा क्या बोलूंगा? BOD के नाम से ही बोलूंगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसको शॉर्ट रूम में आपको पता रखना है कि BOD क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, इसका मतलब होता है निर्देशक मंडल या संचालक मंडल। इसमें कितने सदस्य थे? 16 सदस्य हुआ करते थे। कब? 31 दिसंबर 1600 को स्थापना की गई थी इसकी दोस्तों, लंदन में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अपन ने तीन बातें देखी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अपन ने कितनी बातें देखी? तीन बातें देखी। एक तो देख ली अपन ने स्थापना 31 दिसंबर 1600 को, एक देखी इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी लंदन में, ठीक है। जब इसकी स्थापना की गई थी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें सदस्यों की संख्या थी 24। और इन 24 सदस्यों को क्या नाम दिया गया था? इन 24 सदस्यों को नाम जो दिया गया था वो था निर्देशक मंडल या
संचालक मंडल, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन BOD। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपन ने अभी तक स्टेट बैंक कंपनी का वो देख लिया। और एक चीज अहम बात, चार्टर के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, चार्टर के द्वारा, और ये चार्टर लाया कौन, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनका समय क्या था। पहले बता दूं इनको केवल 15 वर्ष के लिए, ठीक है, 15 वर्ष के लिए इनकी जो समय सीमा थी, कितने वर्ष के लिए थी, 15 वर्ष के लिए। आगे दोस्तों बात समझ में, इनकी समय सीमा कितने वर्ष के लिए थी, इनकी समय सीमा केवल और केवल 15 वर्ष के लिए थी। अब आप ये कहोगे सर जब समय सीमा इनकी 15 वर्ष के लिए थी तो 15 वर्ष के बाद क्या प्रावधान करना है जी, 15 वर्ष के बाद भी अपन कुछ प्रावधान ऐसे करेंगे, ठीक है, 15 वर्ष के बाद भी अपन इसमें प्रावधान करेंगे। तो ठीक है, तो फिर मुख्य बातें क्या क्या हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी में, EIC, एक तो हो गई स्थापना, कब हो गई, 31 दिसंबर 1600, आप राइट करते रहें दोस्तों, स्थापना, ठीक है, स्थान कहां स्थापना का, तो वो हो गया लंदन में, ठीक है। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या 24, जिनको क्या कहा गया, BOD कहा गया, क्या कहा गया, BOD कहा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, और इनका समय मैंने अभी बताई दिया, फिर से मैं यहां लिख देता हूं और बिंदु जो अपन पढ़ रहे हैं, समय प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए दिया गया है, 15 वर्ष के लिए इनको समय दिया गया। और अब देखो, अब इनको परमिशन मिल गई है व्यापार करने की, लेकिन व्यापार करने की जो अनुमति दी गई है, व्यापार करने की अनुमति कौन से देशों में मिली है, पूर्वी देशों में, कौन से देशों में, पूर्वी देशों में। और ये पूर्वी देश आपको पता है दोस्तों कहां से मान्य है, ये पूर्वी देश आपको मान्य है ब्रिटेन से, कहां से मान्य है आपको, ब्रिटेन से मान्य है, ठीक है, भारत से पूर्वी देश नहीं देखने, आपको फिर से मैं बोल देता हूं, भारत से पूर्वी देशों की गणना नहीं करनी, आपको जितने भी पूर्वी देशों की गणना करनी है वो पूर्वी देशों की गणना आपको ब्रिटेन से करनी है। अगर ब्रिटेन से आप पूर्वी देश देखोगे तो मुख्य दो देश आपके सामने आएंगे, एक तो आएगा भारत और दूसरा आएगा चीन, कौन सा, एक तो आएगा भारत और दूसरा कौन सा आएगा, वो आएगा चीन आएगा। और दूसरी बात, अगर आपको अनुमति 15 वर्ष के लिए मिली है, लेकिन 15 वर्ष के लिए भी कहां मिली है, पूर्वी देशों में, तो ये जो 15 वर्ष की अनुमति है किसके लिए मिली है, ये अनुमति मिली है व्यापार के लिए, ये अनुमति किसके लिए मिली है, ये अनुमति मिली है व्यापार के लिए। और व्यापार के लिए भी किस व्यापार के लिए, मुख्य रूप से याद रखना है आपको मसालों के व्यापार के लिए, किस व्यापार के लिए, मसालों के व्यापार के लिए, मसालों के व्यापार के लिए, ठीक है दोस्तों। तो भारत और चीन मुख्य रूप से इसको मान रहे हैं पूर्वी देशों में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब सन आती है आगे 1608, कितने सन आती है दोस्तों, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम प्रयास किया। इसको सीधी भाषा में लेते हैं, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी से एक व्यक्ति था जो भारत में आया, सर या सर नहीं ऐसे लिख लो आप इसको, कैप्टन विलियम हॉकिंग्स, कैप्टन विलियम हॉकिंग्स भारत आए, ठीक है। इन्होंने किससे मुलाकात की भारत आने के बाद, देखो इनको चाहिए व्यापार की अनुमति, और ये सन ऐसी चल रही है जब आपको व्यापार की अनुमति अगर लेनी है, ठीक, अगर आपको व्यापार की अनुमति लेनी है और भारत में व्यापार करना है तो मुगलों से आपको बात करनी पड़ेगी, किससे बात करनी पड़ेगी आपको, आपको मुगलों से बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आप मुगलों से बात करते हो, मुगलों से आपको अनुमति मिलती है, तभी आप किसके लिए एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो व्यापार करने के लिए, अन्यथा आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं क्या था, भारत में आए कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंग्स, किससे मुलाकात की, जहांगीर से मुलाकात,
और ये जो मुलाकात की ना, ये कौन सी मुलाकात कहलाती है? ये कहलाती है असफल मुलाकात। कौन सी? असफल मुलाकात। मतलब इस मुलाकात से ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति नहीं मिली थी। क्या नहीं मिली दोस्तों? अनुमति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? अनुमति नहीं मिली। अनुमति मिलने का मतलब है कि व्यापार, मैंने अभी आपसे बात की ना कि व्यापार करने के लिए आपको किससे अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यापार करने के लिए आपसे मुगलों से व्यापारिक अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मुगलों से आपको व्यापारिक अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना कि पूरे देश पे राज किसका है? मुगलों का है। या कह सकते हो कि दिल्ली जो मुख्य स्थान है शासन का, उस पर राज किसका है? जहांगीर का राज है। ठीक है दोस्तों, किसका राज है? जहांगीर का राज है। देखिए, अभी तक इनको अनुमति नहीं मिली। अभी तक इनको क्या नहीं मिली? अनुमति। फिर भी इन्होंने 1613 में बंबई, कहां पे दोस्तों? बंबई। स्थान कौन सा? सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया। क्या स्थापित कर दिया? व्यापारिक केंद्र। देखो, अभी अनुमति नहीं मिली है, मैंने बताया ना 1608 वाली बात। 1608 में प्रयास किया गया है। 1608 में केवल क्या किया गया है? एक प्रयास किया गया है, लेकिन अनुमति तो नहीं मिली। मैंने फिर से बोला है असफल मुलाकात। मैंने क्या बोला है? असफल मुलाकात। असफल मुलाकात का मतलब ही क्या हो गया कि आपने प्रयास किया है, जहांगीर से आपने मुलाकात की, मुलाकात के बाद आपने प्रयास किया, लेकिन प्रयास तो असफल हुआ। प्रयास सफल हुआ ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? तो फिर भी इन्होंने क्या कर दिया, 1613 में सूरत में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया। कौन सा केंद्र स्थापित कर दिया? सूरत में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया। फिर जाके दिसंबर 1615 में, दिसंबर 1615 में सर टॉमस रो, सर टॉमस रो एक अधिकारी हैं जो कहां पर आए? भारत आए। सर टॉमस रो भारत आए। वह फिर से मुलाकात तो किसी से करनी पड़ेगी, जहांगीर से सफल मुलाकात की। जहांगीर से सफल मुलाकात की। जहांगीर से कौन सी मुलाकात की इन्होंने दोस्तों? सफल मुलाकात की। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, दिसंबर 1615 में सर टॉमस रो भारत आए, वह जहांगीर से सफल मुलाकात की। एक चीज बताओ, क्या इनको अनुमति दिसंबर 1615 में मिली? जी नहीं। इनको अनुमति मिली 10 जनवरी, 10 जनवरी 1616, 10 जनवरी 1616। अनुमति कब मिली? 10 जनवरी 1616 को, क्योंकि सर टॉमस रो भारत आए थे, आए वह जहांगीर से मुलाकात की। मुलाकात की, ये मुलाकात है ना, यही हुई थी 10 जनवरी 1616 को। आप बोलोगे सर ये पहले तो पहले बतानी चाहिए थी आपको। जी नहीं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो सर टॉमस रो थे वो आए कब। सर टॉमस रो भारत आए कब? जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ना कि सर टॉमस रो भारत कब आए, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि भारत में आना और व्यापार की अनुमति मिलना में क्या अंतर है। मतलब भारत आए कब? दिसंबर 1615। ठीक है, आ गए अजमेर में, इनकी मुलाकात हुई थी। कहां मुलाकात हुई इनकी? अजमेर में। इनकी मुलाकात कहां होती है? अजमेर में। और 10 जनवरी 1616 को हुई, और 10 जनवरी 1616 को इनको क्या कर दी गई? व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। किसकी अनुमति प्राप्त हो गई दोस्तों? व्यापार की अनुमति। देखो, 1613 में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया बंबई में। बंबई कहां? सूरत में। ठीक, उसके बाद इनको व्यापारिक अनुमति मिल रही है 1616 में। आगे देखें, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब बात आती है 1617 मद्रास। क्षेत्र कौन सा मद्रास? मद्रास का मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम को ही बोलते हैं मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम को क्या बोलते हैं दोस्तों? मछलीपट्टनम बोलते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? 1617 में मद्रास मछलीपट्टनम में क्या लगाई? मछलीपट्टनम तो आई गया ना ऊपर, फैक्ट्री स्थापित की, या इसी को भी बोल सकते हो व्यापारिक केंद्र स्थापित। क्या स्थापित? व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। व्यापारिक केंद्र क्या किया गया?
स्थापित किया गया। ठीक है, अब देखो दो जगह हो चुकी हैं, एक तो हो चुकी है सूरत, दिख रहा है आपको सामने दोस्तों, एक सामने देखें आप, इसमें बोर्ड में देखे आपको मैंने क्या लिखा हुआ है, एक तो सूरत, दूसरा एक और लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं मद्रास, मैं क्या लिख रहा हूं मद्रास। सूरत कहां आता है, सूरत आ रहा है बंबई में, वर्तमान में गुजरात में आता होगा लेकिन कहां आता है, बंबई में आता है। सूरत कहां आता है, बंबई में आता है। मद्रास का जो क्षेत्र है वो आता है मसूलीपट्टनम, वो कौन सा है, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र कौन सा आता है, मसूलीपट्टनम। एक क्षेत्र और जो 1717 में, सॉरी दोस्तों आप चाहते हैं, सन 1700 में जहां फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, सूरत हो गया, बंबई में पड़ता है, एक पड़ता है बंगाल के, कहां, बंगाल में, कहां पड़ता है दोस्तों, बंगाल में, बंगाल। इन्होंने क्या लगाई, एक और व्यापारिक केंद्र बोल दीजिए या फैक्ट्री बोल दीजिए, व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है दोस्तों, व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री स्थापित की। अब आपको यह जानना है कि यह है क्या चीज, कि यह है क्या चीज। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये क्या चीज है क्या नहीं है, तीन जगह किया है उन्होंने। अब ये कहना क्या चाहते हो, इन्होंने तीन जगह कर दिया। अब तीन जगह जब किया है ना, तो तीन जगह करने के बाद इनको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि इन तीनों जगहों पर इनका प्रशासन संभालेगा कौन, इनका प्रशासन संभालेगा कौन, इनके व्यापारिक केंद्रों की सुरक्षा कौन करेगा, इनके व्यापारिक केंद्र जितने भी बनेंगे इन पे आधिपत्य जो होगा उन पे संरक्षण, उस पे नियंत्रण, ये सब कैसे देखा जाएगा। उसके लिए पहले एक बात समझ लें आप, उसके लिए पहले क्या समझ लें, एक बात समझ लें, और बात आपको कुछ नहीं समझनी, बात सिर्फ आपको इतनी समझनी है वो देखें आप। ठीक है, मैं आपके सामने एक छोटा सा चलचित्र बनाना चाहता हूं, छोटा सा क्या बनाना चाहता हूं, एक चित्र बनाना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, ये भारत का निचला हिस्सा है, आपको पता है ये अपना श्रीलंका आ गया, ये क्या बन गया अपना श्रीलंका। आपको पता है जो वी आकृति होती है ना अपनी, अपनी ये जो वी आकृति होती है ये जलीय क्षेत्र में आती है, किस क्षेत्र में आती है दोस्तों, ये एक जलीय क्षेत्र में आती। जब बात 1600 की होगी ना, परमिशन मिलती है, और 1613, 1617 और 17, यहां तक भी अगर मैं देखूं तो भी क्या है, परिवहन इतना विकसित नहीं हुआ है अभी तक कि आप एरोप्लेन से आए जाएं। ठीक है, रेलवे मार्ग इतने परिपक्व नहीं है आप ये कार्य कर सके, इवन रेलवे मार्ग का तो अस्तित्व में आएगा लेकिन कुछ जगह आ चुका है, कुछ जगह बाद में आएगा, तो वो चीज अपन बाद में कभी देखेंगे, रेलवे प्राधिकरण के तहत कभी देखने का समय मिला तो वो चीज आपको विशेष रूप से बताई जाएगी, इसमें आपको कोई चिंता का कोई विषय है नहीं। फिलहाल आप ये देखिए, जलीय मार्ग से करना है तो किसका पालन करेगा, ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी नौसेना की सहायता लेगी, अपनी जहाजों की सहायता से वो कहां आएंगे, सबसे पहले यहां, ये क्षेत्र जो है वो है सूरत, उस समय की बात कर रहा हूं, और सूरत कहां आता है, बंबई, सूरत कहां आता है, बंबई, सन कितनी 1613, ये जगह। ठीक है दोस्तों, मद्रास जिसको क्या बोलते हो आप, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम कब, 1617, बंगाल, और बंगाल का भी मैं आपको क्षेत्र बता देता हूं, कलकत्ता, बंगाल का भी क्षेत्र कौन सा है, कलकत्ता, और सन कितनी 1700। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, तो आपके सामने क्या बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है, आप इसमें देख के बताएं, तीनों क्षेत्र अलग अलग कोने में स्थित हैं। अगर मैं इसको, अगर इसको दिशा में विभाजित करूं इस तरीके से, तो यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, आपको दिशाएं दिख रही होंगी कि एक सूरत अगर पश्चिम में है तो उसके विपरीत दिशा में, पूर्व दिशा में पड़ रहा है बंगाल, पूर्व दिशा में कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है दोस्तों, बंगाल पड़ रहा है। अगर पूर्व दिशा में बंगाल है, उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में क्या आ गया आपका, सूरत आ गया,
तो मद्रास आ गया, जो कि मद्रास का स्थान कौन सा है, मसूलीपट्टनम है। तीन क्षेत्र भारत के अलग अलग कोने, मैं इनको तीन कोने वैसे बोल सकता हूं, वैसे मद्रास थोड़ा ऊपर है, ठीक, मद्रास थोड़ा ऊपर है, क्योंकि नीचे वाले जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें तमिलनाडु वगैरह आ जाते हैं, लेकिन अभी उसकी अपने को बात नहीं करनी, अपने को फिलहाल किसकी बात करनी है, अपने को बात करनी है मद्रास मसूलीपट्टनम की बात अपने को करनी है, और सन कौन सी 1617। तीनों जगहों पे अगर उनको एक भी व्यापार करना होगा, ठीक है, पहली बात तो अलग अलग व्यापार चल रहा है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार पे नियंत्रण भी तो करना है, व्यापार पे नियंत्रण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी क्या, क्या करेगी वो सुनिएगा। तीनों चीजें फिर से दोहरा देता हूं, सूरत में 1613, मद्रास मसूलीपट्टनम में 1617, बंगाल का कौन सा क्षेत्र, कलकत्ता का वाला क्षेत्र, उसमें कब 1700 को, इन तीनों पे नियंत्रण करने के लिए कब 1726 में, 1726 में देखिएगा, ठीक है, बंबई प्लस मद्रास प्लस बंगाल, इन तीनों में एक एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई, एक एक किसकी नियुक्ति की गई है, एक एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई, किसकी नियुक्ति दोस्तों, गवर्नर की नियुक्ति, मैं गवर्नर जनरल नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं गवर्नर बोल रहा हूं, ना कि क्या बोल रहा हूं, गवर्नर जनरल की मैं आपसे बात कर, एक एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई, इन गवर्नरों को आज जो आपके सामने दे रखे हैं, इन गवर्नरों को अलग अलग अधिकार दिए गए, अलग अलग का मतलब है ये एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब बंबई वाला कोई कार्य करेगा वो मद्रास में नहीं करेगा, और बंगाल वाला हस्तक्षेप भी किसमें नहीं करेगा, मद्रास वाला भी नहीं करेगा, और मद्रास इन दोनों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब इनको अलग अलग रखा गया है। भारत में भी है ऐसा जैसी व्यवस्था, प्रेजेंट टाइम में भी, ये तो कंपनी ने की है उस समय, ठीक है, गवर्नर के तहत। आज ही पता है भारत क्या, आप नीति निदेशक तत्व पढ़ते हो, डीपीएससी पढ़ते हो, इसका अनुच्छेद 50 क्या कहता है आपको, कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होगा, कार्यपालिका का किससे पृथक्करण होगा, न्यायपालिका से। आप ये बोले सर बीच में कहां से बात छेड़ दी, देखो ऐसी बातें निकल कर आती हैं, अच्छी पढ़ाई करोगे तो ऐसी बातें निकल कर आएंगी, अगर आपको एमए उठा उठा के पढ़ना है तो फिर आपको खुद को पता है कि बहुत सा मैटर है मार्केट में, लेकिन आपको आप इस ट्रेडी से जुड़ने का क्या फायदा मिलेगा जो आपके सामने है, ठीक है। हर चीज का डिस्क्रिप्शन ऐसे बनाया जाता है दोस्तों ताकि वो एग्जाम के फेवर में अच्छा हो, इसलिए नहीं बनाया जाता कि बस काम चल रहा है, काम चलाने, काम काम नहीं चलाना, हमें काम चलाना होता तो वो भी बहुत प्लेटफॉर्म है, काम नहीं चलाना, काम चलाना होता तो आपको इस विधि से क्रिएट करके चीजें नहीं बताई जाती जिस विधि से आपके सामने परोसी गई है। अगर आप वो तो वही बात हो गई ना, अगर खाना बना के आपके सामने परोस दिया गया है फिर भी आप नहीं खा सकते तो इससे ज्यादा मंद बुद्धि तो मैं किसी को नहीं मान सकता। आपके सामने खाना बना के परोसने का मतलब है सारी सब्जेक्ट का निचोड़ निकाल के आपके सामने मैंने प्रस्तुत वो चीजें कर दी, अगर वो चीजें मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है तो आपका फर्ज क्या बनता है, आपका फर्ज यही बनता है कि आप इन चीजों को ढंग से देखें और परखें, ढंग से देखें और परखें, तो ठीक है आगे देखें, आगे देखो। अब एक एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी, एक एक गवर्नर की नियुक्ति तो आपने कर तो दी, क्योंकि आपने एक एक गवर्नर की नियुक्ति, आप देखो मैं आपको बताता हूं, देखो आप इसको फिर से देखो, आप इसको क्या देखो, इसको फिर से देखो, आप क्या देख रहे हो, सूरत 1613, मद्रास मसूलीपट्टनम 1617, बंगाल का कौन सा स्थान, कलकत्ता, ठीक है। गुंडे फिल्म देखी है ना, मूवीज बहुत देखते होंगे आप लोग, क्योंकि पढ़ाई से तो आजकल लेना देना कम रह गया लोगों के पास, इंटरनेट फ्री का पड़ा है तो उसमें बोलता है ना कि कलकत्ता दो ही चीजों के लिए मशहूर है, एक तो हावड़ा ब्रिज और दूसरा विक्रमोर वाला, ये वही हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है कलकत्ता। अब तीनों स्थानों पर उनको शासन कर रहा है, तीनों स्थानों में शासन करने के लिए देखो उन्होंने क्या किया है, बंबई मद्रास और बंगाल, बंबई मद्रास बंगाल में तीनों में अलग अलग गवर्नर की शाखाएं बनाई है, शाखा बोलोगे तो आपके लिए थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, आपको क्या याद रखना, एक एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई। अब आपके लिए अगर उसने एक एक गवर्नर की नियुक्ति की है तो तीनों को अधिकार भी क्या दिए गए हैं, अलग अलग ही अधिकार तीनों को दिए गए हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक चीज बता देता हूं, आपके सामने क्या बता देता हूं, देखिए यह है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक निचोड़ के रूप में चलते हैं, यह है ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर
1600 के बाद मुख्य पड़ाव आपको क्या मानना है? 1726 इसमें कह सकते हो स्थापना, गवर्नर की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति, ठीक है। 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और 1764 के बाद, किसके बाद? 1764 के बाद डायरेक्ट 1773, इसमें क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। आपके सामने कुछ डाटा लिखे हुए हैं दोस्तों, आपके सामने क्या लिखे हुए हैं? कुछ डाटा लिखे हुए हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है ये सब चीजें, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब कर दी गई? 31 दिसंबर 1600 को। 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अलग अलग गवर्नर्स की नियुक्ति कर दी, और गवर्नर की नियुक्ति भी कितनी जगह की गई? 3 जगह की गई, बंबई, मद्रास और बंगाल, बंबई, मद्रास और बंगाल। और 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? प्लासी का युद्ध किया। 1764 में इन्होंने क्या किया? बक्सर का युद्ध किया। आप ही कहोगे सर प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध तो आपने बताया नहीं, आप तो डायरेक्ट रेगुलेटरी एक्ट तक का फ्लो चार्ट आपने बना दिया। जी बताया जाता है इतिहास के परिप्रेक्ष्य, आप सीधा याद रखें कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में महत्वपूर्ण विजय किसकी प्राप्त हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राप्त हुई। आपको एक चीज बताओ, आप ये बोलो सर युद्ध का इनका तो कोई हो ही नहीं है, युद्ध का इनका तो कोई एक ऑप्शनलिटी ही नहीं है, मतलब आप सर कहना क्या चाहते हो? आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, व्यापार करने के लिए आप इनको बुला रहे हो भारत में, ठीक है। युद्ध की बात कहां से आ गई? प्लासी का युद्ध कहां से आ गया? बक्सर का युद्ध कहां से आ गया? ये तो व्यापार का काम है, 15 साल का व्यापार का दिया गया। अगर 31 दिसंबर 1600 से मैं अगर 15 साल जोड़ूं तो ये 15 साल तो कभी पूरे हो चुके हैं इनके। आपका एक सवाल होना चाहिए ना कि ये 15 साल तो कभी पूरे हो चुके, इनको समय समय पर आगे भी अनुमतियां दी गई हैं। और ये अनुमति किसके द्वारा दी गई है? ब्रिटेन की संसद व ब्रिटेन की महारानी के द्वारा इनको समय समय पर क्या दी गई है दोस्तों? अनुमतियां दी गई है। अब देखिए आगे, अब अपने को क्या बात करनी है? आप, मैंने आपको बता दिया 1726 वाला सारा विषय, 1726 में गवर्नर की नियुक्ति क्यों करनी पड़ी, इन्होंने प्लासी का युद्ध किया, विजय हो गए, बक्सर का युद्ध किया, विजय हो गया, विजय होने के बाद इनके ऊपर क्या लागू किया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें एक आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले, जैसे बंबई, मद्रास और बंगाल है, इनमें से एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें गवर्नर जनरल बनाया जाएगा और बाकी दो में गवर्नर रहेंगे। एक में तो क्या बनाया जाएगा? गवर्नर जनरल, वो तो कहलाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, वो तो क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उनको दिया जाएगा वो अधिकार, किसको दिया जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स को वो अधिकार दिया जाएगा। आगे फिर भी देखते हैं, चलो मैं बता देता हूं यहां, वॉरेन हेस्टिंग्स, आपको बताया कैप्टन हॉकिंग्स कौन थे? हॉकिंग्स तो पता ही है, 1608 सन लिखते ही आपको समझ में आ गया, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर है। फिर भी आगे देखते, आपके सामने पहला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब सिलसिला प्रारंभ करते हैं, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लाया गया प्रथम अधिनियम कहलाता है, कौन सा अधिनियम कहलाता है? प्रथम अधिनियम कहलाता है, क्या कहलाता है ये? यह प्रथम अधिनियम कहलाता है। इसमें पहला काम क्या क्या? इसमें बंगाल के गवर्नर को, किसके पहला काम है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का क्या बनाया गया दोस्तों? गवर्नर जनरल बनाया गया।
और इसको क्या कह दिया गया, जैसे यह है बंगाल का गवर्नर जनरल, किसका, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके अधीन कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, एक तो बंगाल तो आएगा ही आएगा दोस्तों, क्या क्या आएगा, बंगाल आएगा, मद्रास आएगा और कलकत्ता, जो कि कहां पड़ रहा है, बंगाल में पड़ रहा है, और एक क्षेत्र कौन सा बच गया, देखो बंगाल आ गया, मद्रास आ गया, मद्रास में मसूलीपट्टनम, बंगाल का क्षेत्र कौन सा, कलकत्ता, बंबई नहीं आया, बंबई का क्षेत्र कौन सा आता है इसमें, सूरत वाला, लेकिन अपने को सूरत नहीं लिखना, अपने को क्या लिखना है, बंबई लिखना है। ये तीनों क्षेत्र किसके अधीन आएंगे, एक क्षेत्र तो कौन सा, बंगाल वाला, दूसरा क्षेत्र कौन सा, मद्रास वाला, ठीक है, और तीसरा क्षेत्र कौन सा, बंबई वाला। ये तीनों क्षेत्र किसके अधीन आएंगे, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया जाएगा ना, ठीक ठीक है, उसके तहत आएंगे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, देखिए दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। मैं भारत का गवर्नर जनरल नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, किसका नहीं बोल रहा हूं, मैं भारत का गवर्नर जनरल नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं बंगाल के गवर्नर जनरल के, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। तो आपका ये फर्ज बनता है, आपको ये देखना होगा कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आप ये कह सकते हो कि सर वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या क्या कार्य दिए गए, देखो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या क्या करेगा, एक तो ये बंगाल में, एक मद्रास में, ठीक है, और एक बंबई में, तीनों क्षेत्रों पर यह कानून बनाएगा, तीनों क्षेत्रों पे क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, और तीनों क्षेत्रों पे इसके कानून क्या होंगे, मान्य भी होंगे, तीनों क्षेत्र पे इसके कानून क्या होंगे, मान्य भी होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है, और गवर्नर जनरल, देखो अब ये गवर्नर जनरल है, इसकी सहायता, इसकी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यीय, सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद, चार सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, का गठन किया गया, ठीक है, ये केवल सहायता के लिए थी, बाकी इसका पैसे के लिए कोई काम था नहीं। जो किसकी सहायता कर रही थी, वॉरेन हेस्टिंग्स की सहायता कर रही थी, याद रखना। और एक मुख्य बात, इसके द्वारा कलकत्ता में, पूरा ही लिख देता हूं, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम में एक अपेक्ष न्यायालय, कौन सा न्यायालय, अपेक्ष न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखिए दोस्तों, एक तो होता है प्रावधान करना, एक होता है स्थापना करना, दोनों में अंतर होता है, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। प्रावधान करना अलग बात है, स्थापना करना अलग बात है। आप ये बोलो सर क्या मतलब है? देखो इस अधिनियम में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस अधिनियम में प्रावधान तो क्या किया गया कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक क्या स्थापित किया जाएगा, अपेक्ष न्यायालय स्थापित किया जाएगा। क्या ये भारत का सबसे पहला उच्चतम न्यायालय था? जी, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उस समय का ये सबसे पहला उच्चतम न्यायालय था। इसके उत्तर आपको ऑप्शन के हिसाब से दिए जाएंगे, कई बार में आपको एक ऐसे क्वेश्चन भी सामने आएगा, जब क्वेश्चन सीरीज आपके सामने चलाई जाएगी तब आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे बताए जाएंगे, तब आपको यूं लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत शानदार, तब आपको पता लगेगा क्या प्रावधान करने का मतलब क्या होता है, स्थापना करने का मतलब क्या होता है। मतलब देखें, आगे देखें, जब भी आपको प्रावधान का पूछ ले, किसकी, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान का पूछ ले तो 1773, और स्थापना पूछ ले तो 1774, दोनों अलग अलग है कि नहीं। और स्थापना के इसका न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश वो भी कौन से, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे बनाए गए थे। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता में अपन ने सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी, कलकत्ता में अपने और किसकी स्थापना की,
कलकत्ता में तो किसी की स्थापना की नहीं दोस्तों, कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की है जो एक अपेक्ष न्यायालय है। आपको इसके बारे में थोड़ी सी और बातें बताना चाहूंगा। देखिए आप लोगों को कमी पढ़ने को मिलेगा अपेक्ष न्यायालय। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, हमने तो सीधा उच्चतम न्यायालय पढ़ा। आपने क्या पढ़ा है, उच्चतम न्यायालय पढ़ा दोस्तों। ठीक है कोई बात नहीं, आपने अगर उच्चतम न्यायालय पढ़ा है इसकी बात करते हैं। आप सब लोगों को बताया कि भारत में सबसे बड़ा न्यायालय होता है सुप्रीम, उससे छोटा होता है हाईकोर्ट। इन्हीं की बात करते हैं। हाईकोर्ट में अगर कोई भी हाईकोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया है उसको कहां चुनौती दी जा सकती है, उसको आप चुनौती दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है उसको कहां चुनौती कर सकते हो, उसको कहां चुनौती नहीं दे सकते, कहीं भी क्या नहीं दे सकते आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। किंतु यह स्थिति तो कहां है वर्तमान समय, यह स्थिति तो कब है, यह स्थिति है वर्तमान समय में, चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्थिति तो कहां है वर्तमान समय में। पहले क्या होता था, अपेक्ष न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने कुछ भी निर्णय दिया उसके खिलाफ, उसके खिलाफ लंदन में स्थित, लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल, लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में, प्रीवी काउंसिल में शिकायत की जा सकती थी। लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में क्या की जा सकती थी, शिकायत की जा सकती थी। इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर उस समय के अपेक्ष न्यायालय को क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने कोई भी निर्णय दे दिया, मान के चलो कोई भी निर्णय दे दिया, ठीक है, उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो उस निर्णय के अलावा लंदन में क्या कर सकते हो, प्रीवी काउंसिल जो है उसमें शिकायत कर सकते हो, प्रीवी काउंसिल में शिकायत कर सकते हो। तो एक चीज बताओ, ऐसा कैसा सुप्रीम कोर्ट है जिसका निर्णय के भी वैल्यू नहीं है। अरे भारत में जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, उसने एक बार को निर्णय दे दिया तो उसका निर्णय क्या माना जाता है दोस्तों, उसका निर्णय हमेशा और हमेशा अंतिम माना जाता है। मतलब हाई कोर्ट करे, जैसे आप एक उदाहरण के रूप में बता दूंगा, ठीक है, ग्रामीण न्यायालय कोई फैसला सुनाए उसको आप जिला न्यायालय में कर सकते हो, जिला न्यायालय कोई फैसला सुनाए उसको आप म्युनिसिपल न्यायालय में कर सकते हो। अब आप एक चीज पूछते, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया उसको हाई कोर्ट में कैसे लेके आओगे, नहीं लेके आ जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो अंतिम होता। हाँ इतना जरूर हो सकता है वर्तमान में देखे तो स्पेशल पिटिशन लिव, ठीक है, ये लगा कि आप ये कह सकते हो कि आप अपने निर्णय की एक बार पुनः जांच कर ले, लेकिन ये केवल निवेदन के आधार पर कह सकते हो। किस आधार पर कह सकते हो आप, निवेदन के आधार पर कह सकते हो, अभी निवेदन के आधार पर कह सकते हो, माने तो सही है ना माने तो सही है, वही सीन। अगर कोई आपसे निवेदन करे तो आप उनकी बात मान भी सकते हो और आप उनकी बात टाल भी सकते हो, आवश्यक नहीं है कि आप उनकी बात माने ही माने। तो आ रही बात दोस्तों समझ में, तो समझ में आ गया होगा कि प्रीवी काउंसिल के लंदन में स्थित थी और महारानी के पास जो वरिष्ठ लोग कार्य करते थे उन्हीं को प्रीवी काउंसिल कहा जाता था। और आपको मैं इतना और बता दूं, ये जो न्यायालय था फोर्ट विलियम में किया गया था 1774 में, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। तो ठीक है दोस्तों, आज आपने संवैधानिक विकास के प्रारंभ को समझा, प्रारंभ को समझते हुए आपने क्या देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ साथ आपने ये भी देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले अपनी फैक्ट्री का क्रम क्या रखा, शुरू से क्या रखा, कैसे मद्रास पहुंचे, मद्रास से कैसे वो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता स्थान तक पहुंचे, और तीनों का संरक्षण करने के लिए कैसे उन्होंने तीनों में 1726 के एक छोटा सा रेगुलेटिंग एक्ट लाए और उसके तहत उन्होंने क्या किया, उसके तहत उन्होंने अलग अलग गवर्नर्स की नियुक्ति कर दी। और जब अलग अलग गवर्नर्स की नियुक्ति की गई तो बाद में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसको व्यापारिक कार्य दिया गया था उसने प्लासी का युद्ध किया, प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में उन्होंने बक्सर का युद्ध किया जो कभी भी महारानी को सहनीय नहीं हुआ। देखो बात स्वाभाविक भी है, अगर आपको कोई कार्य दिया गया उस कार्य से हटके आप कार्य करोगे तो उच्च संस्थान आपको रोक सकती है। अपन ऐसे रिट भी पढ़ेंगे, ठीक है, अनुच्छेद 32 भी पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि जब आप कार्य क्षेत्र से निकलकर कोई कार्य करते हो तो क्या उसके ऊपर आपके प्रावधान होते हैं। तो फिर से सुन लीजिएगा, आज जो भी पढ़ा अपन ने,
उसको अच्छे ढंग से रिपीट कीजिएगा अगली क्लास में। जब तक आप ये नहीं पढ़ के आएंगे अगली क्लास में आपको समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, क्योंकि आपको राजनीति विज्ञान लॉजिक पे चलता है, राजनीतिक विज्ञान कभी भी रटने पे नहीं चलता, राजनीतिक विज्ञान समझने के ऊपर चलता है, राजनीतिक विज्ञान को समझना पड़ता है, समझते हुए ही आप संवैधानिक विकास को याद रख सकते हो लंबे समय तक। और लिखना ही सब कुछ नहीं होता है, समय पे आए लिखें और लिखने के बाद उनको निरंतर प्रयास करें उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने के, और निरंतर प्रयास करें उनके रिपीटेशन करने के। जैसे ही आप रिपीटेशन करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो, तो जैसे चार पांच टॉपिक हुए और आपकी क्वेश्चन सीरीज भी जो टॉपिक होते जाएंगे उनके प्रारंभ कर दी जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन सीरीज प्रारंभ करने से एक फायदा होता है, जैसे ही आपने क्वेश्चन सीरीज प्रारंभ की आपने जो पढ़ा है इसके उत्तर आपको आने प्रारंभ जाएंगे, जो भी आपने पढ़ा है इसके उत्तर आने आपको क्या हो जाएंगे प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसे ही अपने को तो आंसर से मतलब है, साम दाम दंड भेद कैसे भी अपने को क्या निकालना है, उत्तर निकालना है, कैसे भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल अपन देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट से पहले ये भी देखेंगे कि इस अधिनियम में कुछ सुधार करने के लिए 1784 में एक संशोधन किया गया। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, उससे पहले सॉरी माफी चाहता हूँ उससे पहले 1781 में एक परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन हुए, शासन व्यवस्था जो तीन प्रांतों में की जा रही है उनको संचालित कैसे किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। आपके इस मित्र को आज के लिए आज्ञा दीजिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद, आप सभी का आप स्टडी में जुड़ने के तहे दिल से धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पसंद आए क्लास, बात पसंद की है दोस्तों, पसंद आए समझ आए तो इसको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आज आपके इस प्यारे से मित्र को गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ, और आज मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद।